दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। तो दोस्तों अब गंजों को तो उछलने दो और अपन करते हैं इस क्लास की शुरुआत। ठीक है, आज की क्लास अपने एंटोमोलॉजी होने वाली है और आप सभी को बताएं कल की क्लास में अपने लास्ट तक बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट अपडेट है, आप जाके देख लेना, लगभग 6 to 7 अपने इस पर लेक्चर टोटल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इस पर सेकंड सेमेस्टर के ऊपर बात करने वाले हैं और आज का अपना जो लेक्चर है वो इसमें टॉपिक के हिसाब से आपके सिलेबस के हिसाब से देखें तो सेकंड नंबर का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है ना, और उसका अपने पास में नाम क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या दोस्तों? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और किसका फंक्शन इसमें, वो अपने पास में स्ट्रक्चर फंक्शन बोल दो या उसके बोल दो क्लासिफिकेशन, सभी ऑर्थोपोडा के, ऑर्थोपोडा जो अपने पास में ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, ऑर्थोपोडा ऑर्डर है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और आपके हिसाब देखे इसमें सेकंड वाला क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें लेक्चर आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बारे में सेकंड नहीं सॉरी थर्ड वाला, इसमें कौन सा दोस्तों, इसमें थर्ड वाला। तो देखो इसमें ऑर्थोपोडा, पहले तो देखो इसमें ऑर्थोपोडा जो है अपने पास में, इसका अर्थ क्या है, आर्थो, आर्थो और क्या होता है इसमें पोडा, कौन होता है दोस्तों, पोडा। ठीक है ना, आर्थोज, आर्थोज मीन्स क्या होता है इसमें, जॉइंट, क्या होता है दोस्तों, जॉइंट। और पोडा मीन्स क्या होता है इसमें, फुट, क्या बोलते हैं इसमें, पैर। और आर्थोपोडा है इसके जो अपने पास में कौन है, सब फाइलम है, इसका सब फाइलम कौन है, यूरेनिमिया, क्या नाम, यूनिरमिया, इसका सब फाइलम, सब फाइलम वो कौन है इसमें, यूनिरमिया, सब फाइलम का क्या नाम है, यूनिरमिया। ठीक है ना, और तो मिस क्या होता है, जॉइंट, पोडा मिस क्या होता है इसमें, फुट, और सब फाइलम कौन सा है आर्थ्रोपोडा का, तो वो कौन है इसमें, यूनिरमिया, क्या नाम है दोस्तों, यूनिरमिया। ठीक है ना, उसके बारे में जो आर्थ्रोपोडा के ऑर्डर में आते हैं, जो कीट आते हैं, उनके क्या क्या इसमें कैरेक्टर होने वाले हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको सभी को पता है कीट है, कीट है तो उसका शरीर कैसा होगा, विभाजित शरीर, कैसा होगा दोस्तों, विभाजित शरीर, कैसा होगा दोस्तों, विभाजित शरीर होगा उसका। ठीक है ना, क्या होगा, विभाजित शरीर, शरीर खंड होगा वो कितने हैं, जो शरीर अपने पास में एक या कितने इसमें, दो खंडों में, कितने दोस्तों, दो खंडों में क्या होगा इसमें, विभाजित होगा, एक या दो खंडों में क्या होगा इसमें, विभाजित होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें, इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, क्यूटिकल, क्या इसमें, क्यूटिकल, और क्यूटिकल भी कौन सा, नष्ट न होने वाला, कौन सा, नष्ट न होने वाला, उसके शरीर पर क्या पाया जाएगा, क्यूटिकल पाया जाएगा, नष्ट नहीं होने वाला। ठीक है, और क्या इसमें, जो क्यूटिकल होता है जो किसका बना होता है, काइटिन का, किसका दोस्तों, काइटिन प्लस प्रोटीन का बना होता है। और उसके बारे में बाहरी जो होता है क्यूटिकल, इसको अपन एक्जो स्केलेटन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक्जो स्केलेटन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, एक्जो स्केलेटन भी कहते हैं। ठीक है ना, क्यूटिकल को और एक्जो स्केलेटन कौन सा, बाहर वाला, जो किसका बना होता है, काइटिन प्लस प्रोटीन का, किसका दोस्तों, काइटिन प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना, तो अपन ने पढ़ा इसमें क्या दोस्तों, आर्थ्रोपोडा के पर्टिकुलर पढ़ रहे थे, इसमें सब फाइलम कौन सा, इसका यूनिरमिया, विभाजित शरीर होता है इसमें, एक या दो खंडों बटा होता है, क्यूटिकल है वो नष्ट न होने वाला पाया जाता है इसमें, और जो इसमें काइटिन प्लस प्रोटीन का बना होता है क्यूटिकल, और बाहरी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्जोस्केलेटन बोला जाता है, क्या दोस्तों, एक्जोस्केलेटन बोला जाता है। ठीक है, उसके बारे में और क्या होता है इसमें, निर्मोचन के द्वारा, किसके द्वारा, निर्मोचन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोल्टिंग, क्या बोलते हैं दोस्तों, मोल्टिंग के द्वारा क्या होता है इसमें, मोल्टिंग के द्वारा इसमें क्या होता है, वृद्धि होती है, क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है, मोल्टिंग के द्वारा इसमें वृद्धि होती है, क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। उसके बारे में और इसमें क्या पाई जाती है, अपने द्वि पार्श्व, सम्मिति पाई जाती है इसमें, पाई जाती है, मतलब कीट को एक जगह से आप इसको यूं खड़ी कटान में काटोगे तो समान दो भागों में वो बढ़ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, द्विपार्श्व सम्मिति, क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विपार्श्व सम्मिति इसमें पाई जाती है। ठीक है,
ऑस्ट्रिया के पृष्ठीय भाग में, क्या इसमें दोस्तों, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के पृष्ठीय भाग में मतलब आगे की ओर पृष्ठीय भाग में क्या पाया जाता है इसमें, दिल, क्या पाया जाता है इसमें, दिल, ठीक है। और सभी जो अंग है इसके, जितने भी सभी अंग है वो क्या होते हैं अपने पास में, जोड़ीदार खंडों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, जोड़ीदार खंडों में पाए जाते हैं सभी अंग है वो किसमें, जोड़ीदार खंडों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिया के पृष्ठीय मतलब आगे वाले भाग में क्या पाया जाता है इसमें, दिल पाया जाता है, ठीक है ना। द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है इसमें, और निर्वोचन के द्वारा इसमें क्या होती है, वृद्धि, और नष्ट न होने वाला इसमें काइटिन पाया जाता है। ये कैरेक्टर है वो सभी किसके हो गए आपके, ऑर्थोपोडा के। और ऑर्थोपोडा का सब फाइलम कौन सा, यूनिरमिया, ठीक है ना। ऑर्थो का अर्थ क्या होता है, जॉइंट, और पोडा मींस क्या होता है इसमें, लेग। ये तो हो गया अपने पास इसमें थर्ड वाला लेक्चर। उसके बारे में अपन कुछ इसमें फोर्थ वाले लेक्चर की भी बात कर देंगे, कौन सा दोस्तों, फोर्थ वाले लेक्चर की भी, ठीक है। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, फोर्थ वाले लेक्चर का नाम क्या अपने, तो उसमें कुछ तो अपने पहले पढ़ लिया था, क्या इसमें, मोल्टिंग जिसमें अपन पढ़ लिया था, क्यूटिकल एंड क्या इसमें, मोल्टिंग तो अपने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, क्यूटिकल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी था, लेकिन और एक दो बातें इसमें पढ़ने की मुझे लगा आवश्यकता है, तो इस क्लास में अपन इसको साथ में देखने वाले हैं उसको, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्यूटिकल में आपको क्या देखना है, इसमें जो क्यूटिकल के परत है उसके कार्य, क्यूटिकल के परत है उसके कार्य। और क्यूटिकल की कितनी परतें होती है इसमें, तीन, कितनी परतें होती है दोस्तों इसमें, तीन परतें होती हैं, किसकी होती है, तीन परतें क्यूटिकल की, किसकी दोस्तों, क्यूटिकल की। पहली कौन सी होती है इसमें, एक्जो, और उसके बारे में एपी, और उसके बारे में एंडो, या पहले दो एंडो एक्जो और कौन इसमें, एपी, एंडो एक्जो और कौन इसमें, एपी, तीन परतें होगी इसकी, कितने होंगे दोस्तों इसमें, तीन, ठीक है। एंडो क्यूटिकल, एक्जो क्यूटिकल, एपी क्यूटिकल, एंडो क्यूटिकल, एक्जो क्यूटिकल और कौन इसमें, एपी क्यूटिकल, तीन परतें होगी, कितने परतें होगी इसमें, तीन। सबसे पहले अपन किसका देखेंगे, एंडो का, तो ये क्या करती है इसमें, ये एक्जो की तुलना में, किसकी तुलना में, एक्जो की तुलना में क्या होती है, एक तो पतली ज्यादा होती है, क्या होती है इसमें, पतली, और क्या होती है इसमें, आंतरिक, क्या होती है इसमें, आंतरिक परत होती है। एक तो इसमें एक्जो क्यूटिकल की तुलना में ये पतली है, और क्या इसमें, आंतरिक भागों में पाई जाती है, और क्या होती है, लचीली परत है। ये कैसी परत है दोस्तों, लचीली परत है, कैसी परत है दोस्तों, लचीली परत होती है, कौन सी, एंडो क्यूटिकल, क्यूटिकल में तीन परतें, एंडो एक्जो और कौन इसमें, एपी। एंडो के बारे में क्या पढ़ा, आंतरिक होती है, एक्जो की तुलना में पतली होती है, और ये कैसे होती है, लचीली परत होती है, कैसे होती है दोस्तों, लचीली परत होती है। और इसका निर्माण है जो क्या होता है इसमें, काइटिन प्लस, इसका जो निर्माण है काइटिन प्लस ऑर्थोप्रोडीन, किससे होता है दोस्तों, काइटिन प्लस ऑर्थोप्रोडीन से होता है इसका निर्माण, काइटिन प्लस ऑर्थोपोडीन, काइटिन प्लस ऑर्थोपोडीन से किसका निर्माण होता है, तो प्रवास में एंडोक्यूटिकल का निर्माण होता है, लचीली परत है, और क्या इसमें, पतली और आंतरिक परत होती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन किसका, एक्जोक्यूटिकल का, ठीक है ना। एक्जो का जो अपने पास में निर्माण होता है किसका दोस्तों, एक्जो का, ठीक है ना। वो एक्जो का निर्माण किससे होगा, तो एक्जो का निर्माण होगा, एक तो अपने पास में किससे होगा, काइटिन से, इससे एक तो इसका निर्माण किससे होगा, काइटिन से, और किससे होगा, स्क्लेरोटीन, स्क्लेरोटीन, ठीक है, इन दोनों से किसका निर्माण होगा, तो वो अपने पास किसका होगा, एक्जोक्यूटिकल का, ठीक है। और इसमें क्या बात ध्यान रखनी है आपको, इसमें ये कैसी कठोर परत होती है, ये कैसी परत होती है दोस्तों, कठोर परत होती है, कैसी होती है, कठोर परत, वो तो कैसी थी, लचीली, और ये कैसी होती है, कठोर परत होती है, ठीक है ना। तो एंडो बात हो गई, एक्जो होगी, और उसके बाद कौन बची इसमें, एपी, सबसे बाहरी परत, क्या होती है दोस्तों, सबसे बाहरी परत, सबसे क्या होती है, बाहरी परत,
सबसे बाहरी परत जो क्या होती है अपने पास में, जो अत्यधिक पतली होती है, जो क्या होती है अत्यधिक पतली होती है, क्या होती है दोस्तों अत्यधिक पतली होती है, ठीक है ना। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एक तो ऑर्थोपोडा जो अपने पास ऑर्डर था उसका सफल है यूनिरमिया और उसके बारे में उसके कैरेक्टर, और नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला लेक्चर था उसमें अपने क्यूटिकल एंड मोल्टिंग, मोल्टिंग तो पहले इसमें पूरा पढ़ लिया था लेकिन इसके बारे में कुछ बातें बाकी थी तो उसकी अपने यहाँ पर बात कर ली, इसके तीन प्रमुख पढ़ते हैं। तो दोस्तों आप अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है ना, क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और उसके बारे में जो इतने अपने पूरी प्लेलिस्ट बनी है उसको अच्छे से बैठ के देखा करो, ठीक है ना। इससे पहले भी वीडियो कई सारे हैं उसको भी आप देखा करो, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी किया करो, ठीक है दोस्तों। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई के साथ अपना एंजॉय भी कर रहे होंगे और कॉलेज लाइफ भी जी रहे होंगे दोस्तों।